हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत नज़ीर है और आज हम जनरल जर्नल एंट्रीज के बारे में बताएंगे। अच्छा, मैं बताऊं, इसका इंट्रोडक्शन हमने भी रिकॉर्ड किया है। रूल्स रेगुलेशन ठीक है, हम फॉर अ टाइमिंग मान लेते हैं कि जी बहुत जरूरी होते हैं, बट आप यकीन जाने मुश्किल से 10 से 15 एंट्रीज हैं जिन्हें एक बार आप बना लें तो आप कोई भी जर्नल एंट्री बना सकते। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मुश्किल से ये लेक्चर देखें 10 मिनट का, उसके बाद फैसला करें कि क्या वाकई इतना मुश्किल था जनरल जर्नल एंट्री का बनाना, या हमें उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया था कि हमें पता नहीं क्या कुछ पढ़ाए जा रहे हैं और बता नहीं रहे। होता क्या है, तो हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे। अकाउंटिंग की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो ओनर या बिजनेस के साथ हो रही है, डेफिनेटली विद द परमिशन ऑफ ओनर ही हो रही होती है, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे हो रही होती है वो आप देखेंगे। मोटी मोटी बातों को छोड़ते हुए हम सिंपल देखते हैं कि जी हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहली एक एंट्री, जब भी ये क्वेश्चन जनरल जनरल एंट्रीज का शुरू होगा तो सबसे पहली बात जो होगी वो ट्रांजैक्शन जो होगी सबसे पहली वो होगी ओनर का नाम। आप कोई भी रख लें, ओनर का नाम आप रख लेते हैं जी अहमद। अहमद इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस ₹5 लाख। अच्छा जी, 5 लाख रुपए अहमद साहब ने, कोई भी आप डेट कह लें, 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया है, 2017 को, ठीक है। अब ये पहली ट्रांजेक्शन थी कि अहमद इन्वेस्ट कैश इनटू द बिजनेस ₹5 लाख। उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? हर एंट्री के दो चीजें होती हैं, एक को आपने डेबिट सोचना होता है, एक क्रेडिट सोचना होता है। तो कैश, यहाँ पे कैश इन्वेस्ट किया गया है और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी एक तरफ तो आपके पास कैश आ गया और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट ओनर करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो ये 5 लाख का कैपिटल अहमद का जनरेट हो गया। हम इसकी एंट्री लिख देंगे कैश डेबिट कैपिटल ऑफ अहमद। तो कैश डेबिट हो जाएगा, यहां पे आप जनवरी लिखें, फर्स्ट डेट डाल दें और ये कह दें कि कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया, एंट्री बन गई। कोई इसमें इतना कमाल नहीं है। नरेशन हम नहीं लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अहमद, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अहमद, ये आपकी नरेशन आ जाएगी। ये पहली एंट्री हो गई। अब होगा क्या? अच्छा, यहां पे अगर साथ साथ ही एक बात बता दी जाए कि अहमद सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो कैश इन्वेस्ट करे। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो अहमद मियां हैं वो एक दूसरी ट्रांजेक्शन, हम कहते हैं कि 2 जनवरी को अहमद को ख्याल आता है कि अहमद इन्वेस्टेड कार, वो कार को भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो एक मशीनरी को इन्वेस्ट कर सकता है, वो कार इन्वेस्ट कर सकता है, मशीनरी इन्वेस्ट कर सकता है, फर्नीचर इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कोई भी चीज जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो अपने घर से बिजनेस में लेकर आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये आगे चल के आपको पता होगा कि जो बिजनेस के अंदर चीजें हैं वो सेपरेट हैं और जो प्राइवेट चीजें हैं वो सेपरेट हैं। तो अहमद इन्वेस्टेड कार या मशीनरी या फर्नीचर इनटू द बिजनेस वर्थ ₹1,50,000। अब या तो कार इन्वेस्ट की है या मशीनरी की है या फर्नीचर की है। हम बता देते हैं कि अगर उसने 2 जनवरी को फर्नीचर इन्वेस्ट किया है तो आप कहेंगे फर्नीचर डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यानी यहां पर यह बात बताई गई कि जरूरी नहीं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश की शक्ल में की जाए, वो फर्नीचर की शक्ल में भी हो सकती है, वो कार की शक्ल में भी हो सकती है। अगर कार इन्वेस्ट की गई होती तो कार डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाता। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस दो तरह से हो सकता है कि या तो आपका बिजनेस गुड्स के ऊपर बेस कर रहा है, यानी या तो आपका बिजनेस जो है गुड्स के ऊपर बेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस हो, या तो वो गुड्स या मर्चेंडाइज, सॉरी गुड्स होगा या सर्विसेज होगा, गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज है। और सर्विसेज आप जानते हैं कि या तो वो ट्यूटरिंग कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो हॉस्पिटल है, वो एयर प्लेन है, तो या तो वो सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे या मर्चेंडाइज गुड्स ऑफर कर रहे होंगे। तो खैर, अब जब हम मान लेते हैं कि हम एक एंट्री बनाने जा रहे हैं, कोई भी माल अगर आपने बेचना है तो पहले खरीदेंगे तो बेचेंगे ना, या तो आप माल बना के बेचेंगे या आप माल खरीद के बेचेंगे, हवा में से तो आएगा नहीं। तो इसमें अगर हम बात ये करें कि परचेजिंग हो रही है, तो हम ये बात कहें परचेज्ड मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 7,000 ऑन कैश। अब या तो एक बात होगी कि मर्चेंडाइज जो खरीदी गई है वो कैश पे खरीदी गई है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 8,000। ठीक है, हम फिगर अलग कर देते हैं। तो या तो मर्चेंडाइज को कैश पे खरीदा जाएगा या क्रेडिट पे खरीदा जाएगा, कोई भी दूसरी बात नहीं हो सकती। तो अगर हमने मर्चेंडाइज को, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 5 जनवरी को हमने जो मर्चेंडाइज खरीदी वो कैश पे खरीदी, तो दोनों ही सूरतों में चाहे आप कैश पे खरीदें या क्रेडिट पे, परचेजेस तो हो गई। तो जो माल बेचने की नियत से लिया जाता है उसे अकाउंटिंग की दुनिया में परचेजेस कहा जाता है। अब कैश पर लिया गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, यानी ये हमने 7,000, ये हमने यहां पर 7,000 कैश लिख दिया। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमने 6 जनवरी को ये जो परचेजेस की हैं, जो माल खरीदा है विद एन इंटेंशन टू सेल, जो माल हम खरीदते हैं विद एन इंटेंशन टू सेल वो परचेजेस कहलाता है। तो अगर हमने वही माल उधार पर लिया है तो क्या होगा, परचेजेस नहीं तो डेबिट होना है, चाहे कैश पर ले या क्रेडिट पे ले, परचेजेस नहीं तो डेबिट होना है। क्रेडिट किसने होना है, अकाउंट पेबल भी लिखा जाता है, कुछ जगहों पे आप इसको क्रेडिटर लिखा हुआ देखेंगे, CREDITOR। तो या तो परचेजेस कहेंगे, परचेजेस तो डेबिट होने ही होने हैं, अकाउंट्स पेबल हो सकता है, तो 8,000 से आपने परचेजेस को डेबिट किया है, अब अकाउंट पेबल भी लिखा जा सकता है और क्रेडिटर भी लिखा जा सकता है, ये आप पर। तो बिजनेस की दुनिया में हमने ये बता दिया कि माल या तो हम कैश पर खरीदेंगे या क्रेडिट पर खरीदेंगे, कैश पर खरीदा हुआ माल परचेजेस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और उधार पर खरीदा हुआ माल परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, बार बार हम थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, यहां से लिख रहे होते हैं, तो क्रेडिट जो भी चीज होती है वो थोड़ी सी आगे से आ रही होती है। क्लियर? तो ये बात सिर्फ हमने यहां पे बताई है, आगे हम इस बात को रिपीट नहीं करेंगे। नरेशन बड़ी आसान होती है, अगर हमने परचेज किया है कैश पे तो हम कह देंगे के जी परचेज गुड्स ऑन कैश, छोटी सी नरेशन लिखनी होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब यहां पे देखकर ही पता चल रहा है कि टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट, हम लिख देंगे, बस ये आपकी एक और एंट्री बन गई। अब आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि डेफिनेटली जब हम माल को खरीदेंगे बेचने की नियत से तो फिर इसको बेचेंगे भी, अगर हमने माल खरीदा है बेचने की नियत से तो डेफिनेटली इसको बेचा भी जाएगा। अब बेचने की सूरत में क्या होगा, वही वाली बात, वी सोल्ड, ट्रांजेक्शन लिखी हुई होगी, वी सोल्ड, या तो ये लिखा जाएगा कि वी सोल्ड या सेल्स ऑफ गुड्स लिख दिया जाएगा, वर्थ रुपीज 15,000
ऑन कैश। तो या तो हम ये कहेंगे कि हमने वी सोल्ड, या सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 ऑन कैश होगा, या वी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज, वी सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 9,000 ऑन क्रेडिट हो जाएगा। तो या तो कैश पर बेचा जाएगा या क्रेडिट पे बेचा जाएगा। बेचने की ये दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात भी नहीं हो सकती। या तो आप उधार पे बेचेंगे या आप कैश पर बेचेंगे। तो अब क्या होगा? अब इसमें अगर हम बताएं कि हमने सेल किया है, हम ये कह लेते हैं कि हमने 11th जनवरी को हमने सेल्स की है, दोनों ही सूरत में सेल्स तो हुई है, चाहे कैश पर हुआ है या क्रेडिट पर हुआ है, सेल तो हुई है। अब अगर हमने कैश पर सेल किया है तो हमारे पास कैश आ जाएगा। माल बेचकर अगर आप माल बेचेंगे तो डेफिनेटली कैश को रिसीव करेंगे। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब रिसीव होगा तो हमारे पास कैश बढ़ जाएगा। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 15,000 से। तो कैश पर बेचने की सूरत में कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और अगर हमने उधार पर बेचा है तो वही वाली बात, सेल्स ने तो क्रेडिट होना है। हमने जो अमाउंट मान लिया था कोई भी ले सकते थे, बट फिर भी मैं देख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 9,000 से आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। अब डेबिट क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये हम फॉर एग्जाम्पल 12th ऑफ जनवरी को हमने जो माल ये हमने कैश पर बेचा है और यहां हमने क्रेडिट पर बेचा है। दोनों ही सूरतों में आप देख सकते हैं कि सेल्स क्रेडिट हुई है, जब कैश पर बेचा तो कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, वो पैसा जो हमने लोगों से रिसीव करना होता है जब हम उनको माल उधार पर बेचते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। कुछ जगहों पर आप ये देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल की जगह आपको डेटर भी हम कह सकते हैं, हम DEBTOR और सेल्स, यानी ये भी हो सकता था कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, या डेटर DEB, कुछ लोग इसको डेबटर पढ़ते हैं, इसमें बी साइलेंट है, डेटर DETOR डेटर 9,000 और सेल्स 9,000 से क्रेडिट कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब, पहला हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिर हमने माल या तो हमने उधार पर खरीदा, यानी यहां पर या तो हमने माल कैश पर खरीदा या उधार पर खरीदा, दो ही बातें हो सकती थी। फिर माल को बेचने की बात भी वही है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम उसको कैश पर सेल करें या हम उसको उधार पर सेल करें, ये हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। जब आप बिजनेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे, आप कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे, और जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे तो आप कैश पे करेंगे, ठीक है? या अच्छा, पहले तो हम कोशिश यही करते हैं सॉरी कि हम तकरीबन, हमारे पास रेंट एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मोबाइल एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस हमने पे किया है, हम उसको लिखते हैं पहले तो, और फिर उसकी एंट्री बनाते हैं। हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम ये बात बताएं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 5,000। ये हो सकता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 5,000 का। पेड रेंट फॉर द मंथ 12,000, हमने रेंट पे किया हो, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, या हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड ऑफ रुपीज 150। कोई भी हमने एक्सपेंस पे किया है, तीनों ही सूरतों में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया हो, चाहे रेंट एक्सपेंस पे किया गया हो, चाहे ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया गया हो,
तीनों ही सूरतों में हमने पेमेंट इस दुनिया में कैश की शक्ल में ही होती है। कैश हमारा एसेट होता है, हम जब कैश को पे करते हैं तो कैश डिक्रीज हो जाता है। तीनों ही सूरतें में कैश ने तो क्रेडिट होना ही होना है। डेबिट क्या होना है? फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ने डेबिट होना है, कैश ने क्रेडिट होना है। साथ साथ बना लेते हैं। अच्छा जी, तो अब अगर हम ये कहें कि हमारी पहली जो एंट्री थी वो 17th जनवरी को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने कहा ये 5000 का था, तो हमने 5000 से क्रेडिट कर दिया। दूसरी सूरत में हमने रेंट पे किया है, दूसरी सूरत में हमने 19th ऑफ जनवरी को हमने रेंट पे किया है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कोई भी एक्सपेंस होगा उसका नाम लेकर ज्यादा सोचे बगैर आप उस रेंट एक्सपेंस को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को, टेलीफोन एक्सपेंस को, सैलरीज एक्सपेंस को, वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपने बाय चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट होगा। अगर आपने चेक इशू किया है तो कैश की जगह हम बैंक लिख देंगे। अब रेंट एक्सपेंस था तो 12,000 हो जाएगा। आखिरी सूरत में हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल 21 जनवरी था तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 150 से। अगर कैश की जगह हमने चेक दिया होता, अगर हमने चेक दिया होता तो हम बैंक लिख देते। क्या लिख देते? कैश की जगह हम बैंक लिख देते। ये हमारी एंट्रीज थी। और खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ चीजों को परचेज कर रहे होते हैं, हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें परचेज कर रहे होते हैं फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। तो अगर वो एक्सपेंसेस नहीं, यूजली हम अब बात कर लेते हैं जो एसेट्स खरीद रहे होते हैं हम, उनकी एंट्रीज क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमने परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट, हमने परचेज किया वर्थ रुपीज 20,000। अच्छा जी, अब हम ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किया है, हमारा एसेट है। एसेट जब हम परचेज करते हैं, हमारे बिजनेस में एसेट आता है तो डेफिनेटली बढ़ जाता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 20,000। अब इसको देखिए कि हम यहां पे बताएंगे कि 20,000 जो पहली हम बात करते हैं पेड बाय चेक। अब हम वो चेक वाली बात कर लेते हैं। कैश किया होता तो हम कहते ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, बट यहां पे चेक दिया है तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 और यहां पर हमने बैंक, तो ये डेबिट है ये क्रेडिट है। ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 और बैंक क्रेडिट हुआ 20,000 से, क्लियर है। अगर हमने कैश पे लिया होता तो इस बैंक की जगह कैश आ जाता। इसी तरह अगर इस ऑफिस इक्विपमेंट की जगह हमने वैन परचेज की होती तो वैन डेबिट हो जाती, बैंक क्रेडिट हो जाता। हमने वैन की जगह फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग परचेज कर ली होती, आप बिल्डिंग डेबिट कर देते और बैंक क्रेडिट कर देते। तो ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता था, बिल्डिंग हो सकती थी, फोटो स्टेट मशीन हो सकती थी, कोई भी चीज आप सोचें, कोई भी एसेट आप सोचें, तो उस एसेट को आप डेबिट कर देंगे यहां पर। और अगर बैंक आपने चेक दिया है, यूजली बड़ी पेमेंट चेक के थ्रू हो रही होती है, तो आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा।
अच्छा 19 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है, हमें अपलोड भी करना होता है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। और बिल्कुल कोशिश करें कोई सवाल हो इसके फिर नेक्स्ट पार्ट में उसका जवाब 100% होगा। वैसे कोशिश करें कि इन एंट्रीज को बनाने के साथ साथ याद करना शुरू हो जाए, आपको बड़े आसानी से ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ना कि पहले हम याद करें चीजों को, फिर एंट्रीज बनाएं, फिर एंट्रीज को याद करें, उससे बेहतर है एंट्रीज साथ साथ बनाएं, पूछते जाएं, बनाते जाएं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।